नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कंप्यूटर जैक यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एरर मूविंग फाइल और फोल्डर, देर इज इनसफिशियंट डिस्क स्पेस टू कंप्लीट ऑपरेशन। यहाँ पे आपको ये भी मैसेज आपको देखना पड़ सकता है, एरर कॉपिंग फाइल और फोल्डर, देर इज इनसफिशियंट डिस्क स्पेस टू कंप्लीट ऑपरेशन। ये दो मैसेज आपको देखना पड़ सकता है। ये दोनों मैसेज क्यों आता है, क्या रीजन इसके पीछे? ओके, एरर मूविंग फाइल और फोल्डर, आप जब फाइल फोल्डर सोर्स टू डेस्टिनेशन कॉपी एंड पेस्ट करते हो तब आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। दूसरा यह है कि जब आप फाइल को कॉपी एंड पेस्ट और कट और पेस्ट भी कर सकते हो, दो कॉपी या पेस्ट, या नहीं तो कॉपी या पेस्ट, नहीं तो कट और पेस्ट, ये दो तरीका से आप ये दो चीज करते हो तब आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे किया जाएगा। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम लोग दो मेथड के थ्रू इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं दिस पीसी पे ऑन करता हूँ, दिस पीसी को ऑन करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल रेड कलर है, फुल मतलब पार्टीशन फुल हो गया है, थोड़ा भी साइज बाकी नहीं है। ओके, थोड़ा सा 9 GB फाइल यहाँ पे 9 GB स्पेस बाकी है, 9 GB समथिंग। ओके, जो कि मेरा फाइल फोल्डर का साइज काफ़ी लार्ज है, यहाँ पे 10 मिनट लगेगा इस फाइल को पेस्ट होने में। ओके, तो सबसे पहला मेथड यह है कि यहाँ पे मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड यह है कि आप इस पार्टीशन में से किसी भी फाइल फोल्डर, यदि आपका फाइल फोल्डर यूजलेस है तो उसको आप डिलीट कर दो, या नहीं तो आप किसी अदर फाइल फोल्डर को कट एंड किसी अदर लोकेशन पे फोल्डर बना के आप पेस्ट कर लो। तो सिंपल, मैं यहाँ पे इस फोल्डर को कट करता हूँ और किसी लार्ज फाइल को, जिससे कि उस पार्टीशन में साइज रिड्यूस हो जाए, इन डिक्रीज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आपको डिफरेंट लोकेशन पे जाना है और कोई फोल्डर बनाकर पेस्ट कर देना है। ओके, पेस्ट करने के बाद वहां पे देखेंगे रेड कलर से वो ब्लू कलर पे आ जाएगा और वहां पे स्पेस बच जाएगा। ओके, सिंपल आपको कट एंड पेस्ट कर देना है। दूसरा मेथड यह है कि आप डिस्क मैनेजमेंट टूल, जो विंडोज का अपना है, विंडोज में बाय ऑलरेडी इंक्लूड होता है डिस्क मैनेजमेंट टूल, ये डिस्क मैनेजमेंट टूल के थ्रू आप डिस्क का साइज, पार्टीशन का साइज आप इंक्रीज कर सकते हो। ओके, डिस्क को, डिस्क का जितना भी कुछ है, हर कुछ, डिस्क पार्टीशन हर कुछ आप मैनेज कर सकते हो डिस्क मैनेजमेंट टूल के थ्रू। तो सिंपल आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करना है, ये मेक श्योर हो जाए कि यहाँ पे आपको अनलोकेटेड स्पेस होनी चाहिए, या नहीं तो आप डिफरेंट डिस्क में से, अलग डिस्क में से भी आप साइज को इंक्रीज एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इन MB, मेरे पास 699 GB मैक्सिमम बचा हुआ है। यहाँ पे MB में ये साइज होता है, मतलब कि 1 GB बात करेंगे तो 1 GB में 1024 GB, सॉरी, 1 GB में 1024 MB होता है। तो यहाँ पे आपको MB में टाइप करना पड़ेगा। मान लो कि आपको 500 GB लेना है तो 500 पे 3 0 देना है, क्योंकि यहाँ पे MB में देना पड़ता है। तो मेरे पास मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस यहाँ पे 699 GB है। और आप चाहे तो आप यहाँ पे डिस्क वन, यहाँ पे देख रहे हैं डिस्क वन भी, यहाँ पे आप डिस्क जीरो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डिस्क जीरो में 2491 MB मेरे पास बचा हुआ है। तो डिस्क जीरो में यदि, अलग डिस्क में यदि स्पेस खाली है तो उस डिस्क को भी आप ऐड कर सकते हो और अपने पार्टीशन का साइज एक्सटेंड कर सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग आप साइज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपल नेक्स्ट और फिनिश पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं साइज मेरे पास मात्र 9 GB बचा हुआ है, मतलब जितना भी साइज था वो यहाँ पे देख रहे हैं एफ ड्राइव का साइज अब इंक्रीज हो गया, एक्सटेंड मैंने कर लिया हो। अब सिंपल कॉपी एंड पेस्ट आप करोगे तो हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे पार्टीशन भी चेक करोगे तो बिल्कुल ब्लू कलर हो गया होगा। आपको जितना भी साइज का जरूरी है, सबसे पहले आप अनलोकेटेड स्पेस क्रिएट करो, उसके बाद आप साइज को एक्सटेंड कर सकते हो, किसी अदर डिस्क में से भी कर सकते हो और सेम डिस्क में से भी कर सकते हो। तो जितना भी साइज का आपको जरूरी है, पार्टीशन का साइज आप एक्सटेंड कर लो और उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। किसी भी पार्टीशन का साइज आपको बढ़ाना है तो एक्सटेंड के थ्रू आप पार्टीशन का साइज इंक्रीज एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आशा करता हूं ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।